हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू जसलीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और बहुत ज्यादा अमेजिंग हॉल्स। सो दिस इज मेनली फॉर ऑल द लेडीज, गर्ल्स और जिसको भी मेकअप पसंद है उसके लिए है। गाइस, टुडे इज हॉल ऑफ ब्रशेस। तो गाइस, ये सारे ब्रशेस हैं आई ब्रशेस और इसका नाम है शेफोरा का है। गाइस, ये है स्मोकी आई ब्रश सेट, 4 ब्रशेस और 1 मेकअप बैग इसके अंदर है। सो आज करेंगे इसको अनबॉक्स और इसके साथ क्रिएट करूंगी एक बहुत 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 ज्यादा मेस्मराइजिंग, अमेजिंग, गॉर्जियस लुक। सो दिस इज बेसिकली फॉर स्मोकी आई, स्पेसिफिकली स्मोकी, यू कैन सी दैट। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्मोकी आईज और देखते हैं इससे बनाते हैं आज क्या क्रिएट करते हैं। और इसके पीछे गाइज लुक भी दे रखी है स्मोकी आई करने की। वाओ, प्रॉपर डिटेल में दे रखा है गाइस कि लुक कैसे क्रिएट करनी है, कौन कौन से ब्रशेज यूज करने हैं टू क्रिएट दिस लुक, जो कि यहाँ पे मेन दिखा रखी है, पूरा पीछे मेंशन करा हुआ है। एक एक स्टेप, एक एक ब्रश नेम वगैरह प्रॉपर लिख के सारे का सारा ये इस पे बता रखा है कि अगर ऐसी वाली स्मोकी आई करनी है तो क्या क्या कैसे कैसे यूज करना है, वो सारे का सारा डिटेल इसके पीछे लिखा हुआ है। बट आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स, स्मोकी आई तो मैं करती रहती हूँ, सो आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग एल्स या इन स्मोकी बट समथिंग समरी। और मैं ट्राई कर रही हूँ ये वाला लुक, फटाफट से लेट्स गेट डाइव इनटू इट। करते हैं सबसे पहले अनबॉक्स, इसके ब्रशेस आपको दिखा दूंगा। आप इसको अगर खरीदना चाहते हो, देखना चाहते हो, इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो, आप www.sephora.com में इसको चेकआउट कर सकते हो। करते हैं अनबॉक्स। और गाइज आई मस्ट से इसके जितने भी ब्रशेज हैं ना, ये 4 ब्रशेज, ओ माई गॉड, इतने ज्यादा फ्लफी और इतने ज्यादा सॉफ्ट है ना। देखो गाइज, क्यूटी क्यूटी गाइज, ये देखो, ये बहुत ज्यादा फ्लफी और बहुत अमेजिंग है। सो दिस इज द वन, दिस इज द सेकेंड वन, सो दिस इज द थर्ड वन, और सबसे ज्यादा फ्लफी में है। और गाइज ये वाला जो है ना, ये वाला नीचे से स्मजी और स्मोकी टाइप करने का जो मेन है, देने वाला है ना मेन चीज, वो है ये। These are the 4 brushes और ये सारे के सारे है कमाल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। और ये चारों के चारों मेन ब्रशेस हैं गाइस। आई मेकअप करना और डिफरेंट टाइप्स के लुक अगर आपको करना बहुत पसंद है तो आपको पता ही होगा कि ये 4 ब्रश कितने ज्यादा जरूरी है। और मेनली ये ब्रश है स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए, जो कि इस सेट में है। और इसके साथ मिला है ये वाला पाउच और इसके अंदर थे ब्रशेस जो मैंने निकाले हैं। एंड wow, nice, this is spacious और this is kind of leather kind of stuff, अच्छा sturdy है। और इसके अंदर अपने साथ के सारे आप brushes अच्छे से safely रख सकते हो, आप इसको clean करके रखोगे तो ज़्यादा better है। So इसको करते हैं start, इसको रख लेती हूँ अंदर, brushes इसके अंदर बहुत ज़्यादा safely अच्छे से रहते हैं। तो स्टेप टू स्टेप आपको सारे का सारा gorgeous mesmerizing makeup करके दिखाने वाली हूँ, stay tuned। है आई लुक जो मैं क्रिएट करने वाली हूँ उसके अंदर मेन कलर है, फर्स्ट वन इज ब्लू टर्कोइस, तो मैं कर रही हूँ ये वाला यूज। एंड देन उसके अंदर है पिंक और मैं कर रही हूँ ये वाला यूज, तो ये 2 कलर्स मैं यूज कर रही हूँ। और स्टार्ट करते हैं नीचे अपनी वाटर लाइन से, तो पिंक से स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी वाटर लाइन को कलर करना। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मॉडल ने नीचे वाटर लाइन पे पिंक करा हुआ है, सो फटाफट से वाटर लाइन को पिंक कर लेते हैं। सो गाइस, वाटर लाइन कर ली है पिंक मैंने लॉरियल के इस कलर से। तो गाइज, वाटर लाइन के नीचे हमें देना है पिंक कलर स्मोकी का, विच इज दिस, और जो कि मैं यूज कर रही हूँ ये वाला कलर पिंक में। सो विद द स्मोकी आई ब्रश
आई एम जस्ट ड्रैगिंग दिस कलर थोड़ा सा वॉटर लाइन के बिल्कुल नीचे नीचे बिल्कुल साथ साथ. डोंट फॉरगेट टू डू दिस सो एक्सेस कलर जो है वो निकल जाए और आपका यू नो बेस वगैरह और फेस पे फैले ना. सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. टैप टैप. सो गाइज मैंने वाटरलाइन के नीचे पिंक लगा लिया है बट जो मैंने आपको इमेज दिखाई है उसके अंदर यूज़ किए हुए हैं पेस्टल कलर्स और पेस्टल कलर्स मेरे पास है नहीं. सो मैंने आपको ये वाला पिंक दिखाया था ना ये वाला मैंने यूज़ किया है. इसमें तो सटल टाइप लग रहा है पर जब मैंने लगाया है तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे. पेस्टल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा तो मैं इसको पेस्टल कर रही हूँ. बस आया है एक आइडिया इसको पेस्टल करने का. ये गाइज इस पे मैं इसको टॉप अप करने लगी हूँ व्हाइट कलर से. सो आई गेस पेस्टल लुक आ जाए. ट्राई करते हैं गाइस. मैं ये वाला छोटा वाला फ्लफी वाला ब्रश यूज कर रही हूँ और व्हाइट वाला लगा के देखते हैं कि ये पेस्टल बनता है या नहीं. ओह वाओ गाइस सिर्फ टच ही की है देख लो आप. अमेजिंग. सो गाइज मेरा शातिर दिमाग काम आया. सो कोई भी कलर के ऊपर आप वाइट कर दो वो बन जाता है पेस्ट. सो सेव दिस ट्रिक. सो मेरे दोस्तों देख रहे हो दोनों में डिफरेंस. जी हाँ ये लग रहा है पेस्टल और ये है मजेंटा फ्यूचर टाइप. और इसको भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ पेस्टल. सो इसको पेस्टल करके मिलती हूँ. सो गाइज बॉटम मैंने कर लिया है पेस्टल पिंक और पीछे पीछे के जरा जरा सा ना पर्पल पता नहीं कैसे हो गया है ये. आई गेस मस्कारे की वजह से ना वो पीछे पीछे थोड़ा सा पर्पल टाइप टिंट हो गया है और जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है विच इज़ वेरी नेचुरल लुक दे रहा है इसको. सो नीचे पेस्टल पिंक हो गया है. ऊपर करना है हमने फ्रोजी कलर टर्कोइज कलर. सो या सो गाइज ऊपर मैं कर रही हूँ ये वाला कलर यूज. आई डोंट नो ये कैसा लगने वाला है. एक्चुअली ये पैलेट मेरा है तो बहुत पुराना बट ये मैंने इतना खास यूज नहीं किया हुआ तो मुझे पता नहीं है इसके कलर्स कैसे लगते हैं. आई थिंक ये भी डार्क ही होगा थोड़ा जैसे कि पिंक था. तो इसको ट्राई करती हूँ और फिर अदरवाइज इसको भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा. सो ब्लू ले लेते हैं गाइज. वही फ्लफी वाला ब्रश है जिससे अभी मैंने नीचे वाइट करा है ना उसके ऊपर वही वाला ब्रश है ये. इससे लगाऊंगी अपर लिड पे. सो गाइज कलर बहुत अच्छा आया. गाइज टर्कोइज कलर ही आया है क्योंकि टर्कोइज ही है और ये नीचे वाला बहुत ज्यादा डार्क ब्लू है और ये एग्जैक्ट वही आया है जो ये दिख रहा है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. और दूसरी आई पे भी फटाफट कर लेती हूँ. सो गाइज दोनों आई ऑलमोस्ट रेडी है. लाइन हमने करी है पिंक और अपर लिड हमने करी है फ्रोजी कलर की और आई लाइनर लगाना है और नीचे से क्या करना है. सो या सो गाइज इसको कर लेते हैं तिखा क्योंकि आगे से इसके निकालनी है चोंच. गाइज इसको हम दे रहे हैं नीचे से बिल्कुल तिखी लुक. सो गाइज द स्मोकी वाला जो नीचे वाला था ब्रश जो मैंने यूज़ किया था गाइज उसी से ना मैंने तिक्खी तिक्खी कर दी आगे से पर एक कुछ ज़्यादा ही तिक्खा हो गया है. आई वंडर मैं इसी को रखूँ या मैं इसको थोड़ा नॉर्मल कर दूँ. आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देती हूँ.
तो गाइज मैंने इसको थोड़ा सा करा है ठीक। रह गया है सिर्फ एक स्टेप विच इज विंग्ड आईलाइनर। सो गाइज आप उसको आईलाइनर से भी लगा सकते हो और विद दिस ब्रश एज वेल टू डू द विंग आईलाइनर लुक विद दिस थिंग। इस वाले ब्रश से बनाऊंगी मैं विंग आईलाइनर। सो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीन, उसके बाद इससे करते हैं विंग आईलाइनर। गाइस अगेन जो मैंने व्हाइट क्ले यूज़ किया था उसी में पैलेट में है ब्लैक वाला, और इस वाले बिल्कुल जेड ब्लैक वाले से मैं क्रिएट करने लगी हूँ विंग आईलाइनर वाली लुक। तो फटाफट से ये वाला स्टेप भी कंप्लीट करते हैं गाइस। बिल्कुल स्लोली स्लोली करेंगे हम ये ब्लैक वाला यूज़, क्योंकि अगर ब्लैक ज़्यादा यूज़ हो गया तो पूरा का पूरा आई मेकअप ख़राब हो जाएगा हमारा। सो इसको करना है बहुत ध्यान से यूज़, ब्लैक वाले को स्पेशली बिल्कुल आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे। सो गाइज दिस लुक इज ऑलमोस्ट रेडी और फटाफट से ये कंप्लीट कर लेती हूँ। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। आपको कैसे लगी गाइज ये लुक? मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा गॉर्जियस और मेस्मराइजिंग लगी, जैसे कि सोचा था बिल्कुल वैसे ही, बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। इसको मैंने टीम अप करा है बिल्कुल लाइट न्यूड शेड से लिपस्टिक के, और आप देख सकते हो गाइज मैंने इसमें लैशेज ऐड करी हैं और आई मेकअप बिल्कुल सेम जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा खिल के आया है गाइज ये, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बताना आपको लगा कैसा है हॉल, कैसे लगे सारे के सारे मेरे ब्रशेस, और अब मैं जाके इनको सबसे पहले वॉश करूँगी। गाइज आप भी अपने ब्रशेज़ का बहुत ध्यान रखिए और उनको बिल्कुल क्लीन रखिए, सो दैट आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट अमेजिंग लुक्स इससे क्रिएट कर सकें और आपकी आईज भी सेफ रहें। मिलती हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्द बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो के साथ। सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।